क्या वजह है किसी एक पे दिल क्यों नहीं आपका टिकता? तिलक 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 के जाते। बिल्कुल, मैं बहुत लिखती हूँ, सीरियसली मैं बहुत लिखती हूँ। मैं मैडम नरगिस, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक जहाज जा रहा है, उसमें दो लोगों में से एक को सवार कर सकते हैं। एक मियां खलीफा, एक सनी लियोन है, किसको सवार करें? मैं सनी लियोन को। सनी लियोन को मियां खलीफा को क्यों? बस अपनी अपनी चॉइस है। आफरीन खान अच्छी लगती है? हाँ अच्छी है। कौन है? क्या चीज़ उनकी अच्छी लगती? वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ ही अच्छी है। मसलन कोई स्पेशल चीज़ होती है? वो स्पेशल है, पर वो दुनिया के लिए है, बताने के लिए नहीं है, वो खुद ब खुद नजर आ जाती है उनमें। सबसे पहले ये बताएं कि ख्वाबों का शहजादा सोच लिया? हर एक ख्वाबों का शहजादा, वो तो हर रोज ही आता है नया नया। अच्छा। कोई भी एक नहीं टिकता, हर रोज चेंज होता है। रोज चेंज कर लेती? बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, सोच चेंज हो जाती है ना, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं तो ऐसा ही होता है। क्या वजह है किसी एक पे दिल क्यों नहीं आपका टिकता? तिलक 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 के जाते। बिल्कुल, मैं बहुत लिखती हूँ, सीरियसली मैं बहुत लिखती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाबों का शहजादा एक ही होना चाहिए, पर मेरे दिन में हर रोज चेंज होता है। क्या वजह है, क्या चीज़ देख के चेंज कर लेती हैं? पैसा देख के चेंज करती हैं? पैसा, वैसे देखा जाए तो आजकल में पैसा ना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ देखेंगी अगर कोई आए आपको ऑफर करे, शादी की ऑफर करे? जहरी बात हुई भी होंगी, कोई ऑन किया अभी तक? अगर नहीं तो फिर क्या देख रही हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है, कैसा होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि अच्छा होना चाहिए, उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा भी होना चाहिए, पर थोड़ा शरीफ भी होना चाहिए। 5-10 रुपये से काम चल जाएगा? हाँ इतने थोड़े, 5-10 रुपये, 5-10 रुपये, नहीं नहीं थोड़े ज़्यादा करें। कोई 750 रुपये से? नहीं यार, इतने में तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आती। कितने में लिपस्टिक का? तकरीबन 500 की तो आती है। ये मुझे बताएं, इंस्पायर किससे हुई हैं जो डांस करना शुरू कर? देखा जाए तो मैं मैडम नरगिस, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं एसी कब होने जा रही हूँ उनका? इंशाल्लाह जल्दी। फ़ैन से हवा आती है कि नहीं आती? फ़ैन से हवा हाँ आती है। बोल्ड स्टेप कर लेती हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? अब आदत हो गई है, अब तो हमेशा करने पड़ते हैं और करने का मज़ा भी आता है। करने का मज़ा भी आता है? बिल्कुल। यानी कि सिर्फ आवाम इंजॉय नहीं करती, आप भी इंजॉय करती? मैं खुद बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, आवाम ने तो फिर करना ही करना। जाहिर, सबसे फेवरेट गाना गुनगुना के दिखाना है आप? सबसे फेवरेट गाना गाना कौन सा? वैसे आपने भी पूछ लिया तो जेन में नहीं आ रहा, पहले पूछा तो याद आ जाता। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि पोइट्री आती है आपको? नहीं, उसके बारे में कभी जेन नहीं किया। उसके बारे में कभी जेन नहीं किया? जेन एक जगह टिकता नहीं है ना, उसमें बहुत से सवाल, बहुत सी चीज़ें। रोज डांस में ये करना है हम लोगों ने, आर्ट ड्रामे में ये करना है हम लोगों ने, तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम आती हैं। वो बचपन में होता था ऐसा, अब नहीं होता। दो ऑप्शन आपको देता हूँ, ठीक है, उसमें से एक आपने चूज करनी है। एक जहाज जा रहा है, उसमें दो लोगों में से एक को सवार कर सकते हैं। एक मियां खलीफा, एक सनी लियोन है, किसको सवार करें? मैं सनी लियोन को। सनी लियोन को? मियां खलीफा को क्यों? बस अपनी अपनी चॉइस है। अच्छी लगती है? अच्छी लगती हैं। कौन अच्छी लगती है? सनी लियोन। अच्छा, तो मियां खलीफा को कभी देखा नहीं? देखा है, ये नहीं कि देखा नहीं है, देखा है, बिल्कुल देखा है, पर आपने दो लोगों की चॉइस रखी है तो एक ही तो चूज़ करना था ना। ठीक हो, करना चाहूँगी। ठीक है, उनको किस वजह से आप चूज़ करना चाहेंगी? क्या उनकी वो जो गेम करती थी उस वजह से? नहीं, गेम वो तो करती होंगी, वैसे मुझे उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। फुटबॉल वैसे वो खेलती रही हैं इसमें आने से पहले? अच्छा ये, अच्छा ये मुझे बताएं कि इतना बोल्ड डांस भी कर जाते हैं लोग ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, किस हद तक जाना चाहिए और किस हद तक नहीं जाना चाहिए? नहीं, आपको करना चाहिए, पर इस हाथ से पार नहीं होना चाहिए कि अगला बंदा आपको मतलब कि अच्छा नहीं लगता इस तरह के स्टेप करते हुए, जो इस तरह का काम करते हुए। अच्छा काम करना चाहिए जो अगले को भी पसंद आए और ख़ुद को भी अच्छा लगे। इतना भी बोल्ड नहीं करना चाहिए कि अगला बंदा उठ जाए, उठ जाए उसका, उसके लिए बैटमेंट करे। अच्छा, क्या उठ जाए, क्या उठ जाए? मतलब कि आप इतने बोल्ड स्टेप करेंगे तो अगला बंदा ये ना कि शर्मिंदगी से उठ जाए। मैंने ये आवाम कोई कब कैसा इतना बोल्ड स्टेप कर दिया हो, किसी का उठ गया हो, किसी का उठ गया हो, यानी कि कोई उठ गया हो? ना, वैसे देखा हुआ है और खुद ने अंदाज़ा भी लगाया हुआ है मैंने कि अगर ऐसा करे तो कुछ अच्छे भी होते हैं, थोड़े थोड़े शरीफ भी होते हैं। तो वैसे भी देखा जाए तो सब यहाँ इन्जॉय करने के लिए आते हैं, तो हम सबको इन्जॉय करवाते हैं क्योंकि हम भी काम करते हैं, जाहिर वो हमारा काम देखने के लिए। आज तक कितने को जानू बोल? वैसे तो देखा जाए तो मैं सबको जानू बोलती हूँ, मैं तो आपको भी जानू बोलूँगी। अच्छा ये मुझे बताएं कि कितनों ने आपको आई लव यू बोला और कितनों को आपने बोला? दिल से मेरा नहीं ख्याल कि आज तक दिल से मैंने कभी किसी को आई लव यू बोला है। मैं अपने पापा को बोलती होती हूँ आई लव यू पापा, बाकी और दिल से किसी के लिए आई लव यू नहीं निकलता। हाँ बाकी कोई कह दिया आई लव यू, मैं कहती हूँ कि आई लव यू ऊपर ऊपर से, अंदर से नहीं। अंदर कौन आने वाला है? अंदर कौन आने वाला है ये तो अब
अल्लाह बेहतर जाने के कौन आप कभी तो होता है। अभी डिसाइड नहीं है हमारा कि कौन आएगा, देखते हैं कौन आता है जो हमारे खास ख्वाबों को शहजादा बन। अच्छा चलें, आँख मारनी आती है? बिल्कुल आती है। और क्या क्या मारना आता है? नहीं, मैं आँखें बहुत अच्छी मारती हूँ। चलें मार के दिखाएं कैमरे में। अच्छा ये मुझे बताएं कि डांस जब करती हैं कि फेवरेट स्टेप कौन सा उसमें? उसमें फेवरेट स्टेप तो वैसे मैं पूरा गाना बड़ा एंजॉय करके करती हूँ। ये नहीं होता कि मैं ये स्टेप करूँगी वो हमको अच्छा लगेगा, पूरे गाने के हिसाब से होता है। तो जैसे जिस तरह का सॉन्ग होता है आपका वैसे आपको फिर उस्ताद तैयार करते हैं। कितनी देर गाने के लिए रिहर्सल करें? लग जाते हैं 2 से 3 दिन 4 दिन भी लग जाते हैं। आफरीन खान अच्छी लगती है? हाँ अच्छी हैं। कौन हैं, क्या चीज़ उनकी अच्छी लगती है? उनमें वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ ही अच्छी है। मसलन कोई स्पेशल चीज़ होती है? और वो स्पेशल है पर वो दुनिया के लिए है, बताने के लिए नहीं है, वो खुद ब खुद नज़र आ जाती है उनमें। वैसे माशाल्लाह से वो हमारी कोलीग है, हमारी सीनियर है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। आप भी चाहती हैं कि उन जैसी हो जाए? नहीं वैसा नहीं, बहुत ओवर लगता है अगर बीच में ऐसा ऐसा कुछ फील हो तो। जैसे इंसान की बॉडी है थोड़ा नेचुरल में रहना चाहिए।